नमस्कार। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में ताजा ताजा बवाल मचाने वाले 25,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जेल की सलाखों में कैद होने वाले हैं। ईडी की जांच में बड़े खुलासे ने एनसीपी नेताओं की सीटी वीटी गुल करके रख दी है। अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ साथ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट हेतु अन अकेडमी लेकर आया है बहुत ही अच्छी खबर। अन अकेडमी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग और स्टडी ऐप है, जहां आप महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 9th और क्लास 10th की कैटेगरी में ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। अन अकेडमी पर आपको क्लास 9th और क्लास 10th के लिए महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। अन अकेडमी एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको टेस्ट सीरीज, लाइव सेशन आदि के अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा जो बिल्कुल फ्री है। और फ्री सेशंस को अनलॉक करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड जिनू10 यूज करें। अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको लाइव क्लासेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बैंक, सिलेबस के बेस, प्रैक्टिस टैब, रिवीजन एंड क्रश कोर्सेज आदि के साथ और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। और आप मेरा रेफरल कोड जिनू10 यूज करेंगे तो आपको इसमें 10% छूट भी मिलेगी। बहुत ही कम दाम में आप अन अकेडमी पर टॉप एजुकेटर से स्टडी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी एवं एप्लीकेशन लिंक है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। दरअसल एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार के मंत्री और विधायकों पर अनेकों घोटालों के आरोप लग चुके हैं। जमीन घोटाला, बिजली घोटाला, पीएमसी बैंक घोटाला आदि की ईडी जांच कर ही रही थी कि उद्धव सरकार में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सहकारी बैंक के 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच भी अब चरम सीमा पर है। और इस बार सीधा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उनके खानदान पर जांच चल रही है। वैसे तो यह मामला पुराना है, लेकिन अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ईडी की रडार पर है और 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले की जांच से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। शिवसेना नेता संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत पहले से ही पीएमसी बैंक घोटाले में फंसे हुए हैं और शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक सहित शिवसेना के एक पूर्व सांसद का नाम भी घोटालों में दर्ज है। लेकिन अब बारिश शरद पवार की आई है तो उद्धव सरकार में खलबली मच गई है। बड़ी मछली अब ईडी के जाल में फंसी है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एक बड़े घोटाले में फंसे हुए हैं, जिसकी जांच रिपोर्ट भी अब आने वाली है। ईडी ने एक साल पूर्व इस मामले की जांच शुरू की थी और अब धीरे धीरे इस ईडी की जांच की सारी परतें खुलने लगी है। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार, शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उनके एक और भतीजे राजेंद्र पवार और इनके साथ साथ शरद पवार के पोते रोहित पवार, ये सारे लोग इस 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल हैं। और अब इनके जेल जाने की बारी है वो आ गई है, इसका वक्त आ गया है। ईडी ने पवार परिवार की काली करतूतों का काला चिट्ठा खोलकर देश के सामने रख दिया है। इस 25,000 करोड़ के घोटाले में लगभग 1,000 करोड़ की मलाई है वो पवार परिवार बटोर चुका है। ईडी की जांच में 1,000 करोड़ का घोटाला पवार परिवार द्वारा करने की बात पहले भी सामने आ चुकी है। जनवरी 2019 में इस बैंक घोटाले को लेकर के महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा एक पीआईएल दायर किया गया था। इस पीआईएल में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक द्वारा बताया गया था कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है और फंड का लेन देन भी हुआ है। कोऑपरेटिव बैंक के पैसे को बिना किसी भी जमानत के शुगर कंपनियों को दिया गया है और बाद में उन्हीं शुगर कंपनियों ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया है और ऐसा करके वो सारा पैसा है वो हड़प गए हैं। और महाराष्ट्र में जो शुगर कंपनियों का जाल बिछा हुआ है, इसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार का परिवार किंग माना जाता है। इसी घोटाले के मामले में जांच चल रही थी। अगस्त 2019 में मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले की जांच है वो ईडी को सौंप दी गई थी। सितंबर 2019 में ईडी ने एक केस भी दर्ज किया जिसमें लगभग 73 लोगों के नाम थे।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस के कुछ नेताओं का और 2007 से 2011 के बीच में ये घोटाला हुआ था। उस समय के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार थे एवं शरद पवार का नाम भी इसमें दर्ज था। इसके अलावा एनसीपी के कद्दावर नेता जयंत पाटिल का नाम इस घोटाले में दर्ज था। कांग्रेस के दो बड़े नेता और शिवसेना के एक बड़े नेता का नाम भी इसमें दर्ज किया गया था और इन लोगों पर जांच शुरू हुई थी। इस पूरे मामले की जांच में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का नाम क्यों आया, इसकी जांच की आंच पवार परिवार तक कैसे पहुंची, इसको लेकर के महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में एक कंपनी का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया है बैंक के अनुसार कन्नड़ सहकारी शुगर फैक्ट्री थी जो दिवालिया होती जा रही थी और उसे सिक इंडस्ट्री में डाल दिया गया था। उस इंडस्ट्री का ऑक्शन हुआ और इस ऑक्शन में जो गड़बड़ियां सामने आई उसमें शरद पवार और उनके परिवार का तार है वो जुड़ा हुआ है। कन्नड़ कोऑपरेटिव शक्कर कारखाना प्राइवेट लिमिटेड का 2012 में जब ऑक्शन हुआ तो तीन कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। इनमें से एक कंपनी थी बारामती एग्रो, दूसरी थी हाईटेक इंजीनियरिंग और तीसरी थी समृद्धि शुगर प्राइवेट लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों में हाईएस्ट बिडर बनकर उभरी बारामती एग्रो, जो कहीं ना कहीं शरद पवार की है, यानी कि जिससे पवार परिवार का सीधा कनेक्शन है। पवार परिवार ने 50 करोड़ रुपए में कन्नड़ शुगर फैक्ट्री को खरीद लिया। इस नीलामी में खूब गपलाबाजी की गई जिसका खुलासा हाईटेक इंजीनियरिंग के बैंक खातों से हुआ और पता चला कि बारामती और हाईटेक के बीच में तो नीलामी से पहले ही मिली भगत थी। नीलामी के दौरान 4,59,00,000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर तीनों कंपनियों से अलग अलग लिया गया, जो हाईटेक ने बारामती एग्रो से ही लिए थे, यानी कि 4,59,00,000 रुपए जो यहाँ पर ऑक्शन के समय जमा करवाए गए वो शरद पवार ने ही करवाए थे। शरद पवार ने ही हाईटेक का डिपॉजिट है वो जमा करवाया था। इस तरह की खुलासा भी हुआ था और नीलामी से एक माह पूर्व बारामती एग्रो ने हाईटेक को 5 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त लोन के तौर पर खाते में भी दिए थे। उसी 5 करोड़ में से 4,59,00,000 रुपए नीलामी में हाईटेक इंजीनियर ने डिपॉजिट किया था। कन्नड़ शुगर फैक्ट्री को खरीदने के लिए पवार परिवार की कंपनी बारामती एग्रो ने हाईटेक को कम बिड पर नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 5 करोड़ में सौदा किया था। उसके बाद में बारामती एग्रो ने एक साल बाद उसी कन्नड़ शुगर फैक्ट्री के लिए 120 करोड़ रुपए का लोन महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से लिया, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने उस कंपनी को 120 करोड़ रुपए दिए जिसकी औकात सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही थी। बर्बाद कंपनी को बिना किसी जमानत पर 120 करोड़ का लोन दे दिया गया और यहीं से इस घोटाले की शुरुआत हुई। जब ईडी की जांच में ये पूरा खेल सामने आया तो पता चला कि बारामती एग्रो के शेयर होल्डर शरद पवार हैं, अजीत पवार हैं, प्रतिभा पवार, सुप्रिया सुले, राजेंद्र पवार हैं, इसके अलावा रोहित पवार और वो इनके सीईओ भी हैं, ये लोग इस शेयर होल्डर्स में शामिल थे। बारामती एग्रो के जरिए जो इस घोटाले को अंजाम दिया गया इसमें अजीत पवार की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि अजीत पवार उस समय की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी थे और इसके साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सहकारी बैंक के चेयरमैन भी थे। इस पूरे घोटाले की जांच सितंबर 2019 से ईडी कर रही थी और अब धीरे धीरे इस घोटाले की सारी परतें खुल करके सामने आ गई है। एनसीपी ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी की थी जब लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान एनसीपी पर इस तरह के आरोप लगे थे तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार गिरफ्तार होने के लिए ईडी के दफ्तर में भी चले गए थे और वहां खूब सारा ड्रामा भी किया था। लेकिन अब ईडी ने पवार परिवार पर सिकंजा है वो कस लिया है और जल्द ही इस घोटाले में पवार परिवार को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसा होने पर एनसीपी के नेता फिर से मोदी सरकार पर आरोप मढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और आरोप मढ़ते हुए कहेंगे कि ये सब राजनीतिक बदले के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब देश के सामने पूरी सच्चाई आ चुकी है कि पवार परिवार ने किस तरह से 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का चूना देश की जनता की खून पसीने की कमाई पर लगाया। इस तरह के चंद घोटालों का ही खुलासा हो पाया है
लेकिन आप खुद अनुमान लगा करके सोचिए कि इन शातिर चोरों ने देश को कितना लूटा होगा। जो मामले अभी देश के सामने नहीं आए हैं, जिनका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, उनकी संख्या सैकड़ों हजारों में भी हो सकती है और यह घोटालों की राशि कई हजार करोड़ों में भी हो सकती है। यानी मेरे कहने का मतलब है, आप खुद अनुमान लगा करके देखिए कि इन शातिर चोरों ने किस तरह से देश की जनता का पैसा लूटा है, किस तरह से इन्होंने घोटालों को अंजाम दिया है। लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में पहले से ही काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ था और अब जिस तरह से शरद पवार पर लगे आरोपों को लेकर के जांच सामने आ रही है, ईडी की जो जांच है उसकी रिपोर्ट सामने आने वाली है, उससे ये साफ हो जाएगा कि बारामती एग्रो के चक्कर में शरद पवार का पूरा परिवार जेल की हवा खा सकता है। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी के साथ साथ अब शरद पवार की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फिलहाल उद्धव ठाकरे और शरद पवार के इन घोटालों को लेकर के, उद्धव सरकार में हो रहे घोटालों को लेकर के आपके क्या विचार है? क्या ईडी शरद पवार और शरद पवार के परिवार को इन घोटालों में गिरफ्तार कर पाएगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगले अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।